अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, जरा ऊंचा बोलें। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी, खुर्शीद साहब यूके से। जी, इसीलिए आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। नहीं नहीं ठीक है, चलें चलने दें, हो सकता गुजारा हो जाए। हुक्म करें। बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी, किंग्स रूबी। हाँ जी ठीक। इलाका तो बेहतरीन है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अटक में तो काफी लोगों ने अंगूर लगाया है, और ये डिपेंड करता है ना, जमीन देख के ही पता चल सकता है। बहुत रेतली तो नहीं है पानी उसमें, ये तो नहीं कि उसको ही। ठीक है वो, लेकिन उसमें कोई मिक्स की है चीजें, को फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह डाला है उसमें, ऑर्गेनिक मैटर, वही देसी खाद। हाँ वो देसी खाद मिक्स करें, वो जिस तरह मैं बताता हूं कि पिट्स ये बना के, और इस तरीके से एक हिस्सा मिट्टी हो, एक हिस्सा रेत हो, एक हिस्सा उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, तो वो जबरदस्त हो जाता है, अमेजा बन जाता है उसके लिए, मीडियम बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा रिजल्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं ठीक हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। लेकिन उनकी उसकी जो रूट्स होती है ना, वो गंदम की तो ज्यादा नीचे नहीं जाती ना रूट्स, ये आम क्रॉप्स की 9 इंच तक ही हम रखते हैं जमीन की तैयारी, 9 इंच। और वेजिटेबल्स में जब वो देखते हैं तो थोड़ा सा डीप टिलेज भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि नॉर्मली ऊपर वाला 9 इंच का एरिया ही वो जमीन जो है तैयार की जाती है। लेकिन इसके लिए जो आपने फ्रूट ट्रीज जब लगाने होते हैं, या कोई ये वाइन्स लगानी है, तो इसकी रूट्स तो काफी नीचे जाती हैं, तो अल्लाह फजल करेगा, शुरू में तो अच्छा रहेगा, बाद में देखेंगे क्या पानी का क्या हिसाब किताब रहता है। ठीक है हाँ। नहीं वो तो बहुत अच्छी जगह है गाजी ब्रोदा के पास। हाँ नीली रावी जो है वो बेहतरीन है। ये नहीं, ये इंडियन ब्रीड है, और हमारी जो ब्रीड है वो जो सबसे बेहतरीन गर्दानी जाती है वो दो हैं, नीली है और रावी है। लेकिन चूंकि अब वो अलहदा रहता है, थी शुरू में, तो अब तो वो मिक्सचर हो चुका है, तो नीली रावी कहा जाता है। लेकिन ये पहले नीली होती थी अलहदा, और रावी अलहदा होती थी, थोड़ा सा डिफरेंस था उनमें। लेकिन अब चूंकि नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे यहाँ यही ज्यादा मिलती है, नीली रावी, और उसी को ही या कुंडी है।
कुंड सिंध के एरिया के लिए कुंडी। पंजाब में बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह। साहिवाल की तरह हर जगह ही है अब तो। ये आप अगर पिंडी में देखेंगे तो वहां से इसके सराउंडिंग्स में भी मिल जाएगी, लोग उधर से वैसे ज्यादातर लाते हैं ये। कुंडी जो है वो मुख्तलिफ जगह है जहां से मिलती है, और वहां अगर कोई ऑथेंटिक किस्म की प्लेस है या कोई डेयरी फार्म है तो वो जमील मेमन का है। ये ऑन द वे टू हैदराबाद, ये जब आप कराची से हैदराबाद जाते हैं ना तो जस्ट कोई 34-40 किलोमीटर के करीब लेफ्ट साइड पे ही आपको मिलेगा। सुपर हाईवे के साथ, बिल्कुल बिल्कुल सुपर हाईवे के साथ। तो जमीन हाँ लेफ्ट, कराची से जब मुंह किया हुआ वो हैदराबाद की तरफ तो लेफ्ट साइड पे, जब हैदराबाद से कराची को जा रहे हो तो राइट साइड पे। कौन सा मेमन बता रहे हैं आप? जमील मेमन। जमील मेमन, जमील, जमील के पास 12,000 जानवर हैं। बहुत, जब मैं उसके पास विजिट किया था उस वक्त 12,000 थे उसके पास गाय और भैंसे, और अभी भी उसका जो बैल बिका है ये कुर्बानी के लिए सबसे कीमती वही था, लाखों रुपए में उसके जाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो यूके में कौन सी जगह से बोल रहे हैं? में। अच्छा साउथ वेल में, अच्छा अच्छा चले ठीक है यार। रोजाना मैं 12 से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूँ मास वाय जुमा को। अल्लाह अकबर। चले तो सारे अच्छा माशाल्लाह। मैं अभी पहले मैं गया था मैनचेस्टर रहा हूँ और वहां से कुछ विजिट किया है, और बल्कि अभी जो वेबसाइट मैंने लॉन्च की है ये बनाई है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ये बेडफोर्ड शायर है ना, बेडफोर्ड शायर के एक हैं बरखुरदार, बहुत ही माशाल्लाह प्यार करने वाले, ये उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं की वजह से ये मैंने प्रोफेशनल से बनवा के ना तो ये लॉन्च किया। जमाल उसका नाम है, जमाल। अच्छा। जमाल बहुत है, आजाद कश्मीर से है, मीरपुर साइड से। अच्छा। हाँ जी मैं उनके गांव भी गया हूँ। रात को मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें आप एक आदमी को सीरीज के बारे में बता रहे थे कि सीरीज बनाऊंगा, इनशा वो बन रही है जनाब। आप अगर देखें तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट हैं, आप वो उनको क्लिक करेंगे तो आपको हर चीज पे मिलेगा वो। अब ये ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं नहीं यार, वो मैंने पहले प्रोग्राम था, मैंने सोचा था कि यार मेरे पास कुछ जब ज्यादा हो जाएंगे पैसे वैसे तो मैं ये शुरू करूंगा, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूशन के लिए भी लोगों को रिक्वेस्ट की, अब तो मैंने वो डिलीट कर दी है क्योंकि सिवाय एक बंदे ने किसी ने भी नहीं भेजा, तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसे ही अपने आप को छोटा मैंने फील करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार सारी जिंदगी मैंने नहीं, वो लोग ये ना समझे ये क्या पैसे कमाने के चक्कर में तो नहीं लग गया, तो दैट्स वाई आई हैव डिलीटेड दैट, और नाउ आई जस्ट जो है मेरे उसी से मैं अपने रिसोर्सेज से ही चला रहा हूँ, लेकिन ये वेबसाइट जो डेवलप।
अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला, आप देखते रहें, अब जब आपके कमेंट्स आते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह ताला जब भी मैं गया ना, तो चूंकि मेरी बेटी भी उधर है तो मैं जाता हूँ, तो अगर मैं विजिट किया या और दोस्तों ने बुलाया तो मैं इंशाल्लाह ताला जाऊंगा, तो फिर आपको उस पे वेबसाइट पे भी पता चल जाएगा और फेसबुक पे तो ऑलरेडी। अच्छा माशाल्लाह, अभी मैं जो रोजाना कर रहा हूँ, कल मैंने 7 वीडियोस YouTube पे की हैं, देखा है आपने? सात मैंने देखी थी। हाँ जी, फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, आप अपलोड करते हैं। हाँ जी, वो बस मैं YouTube पे कर रहा हूँ, कुछ मुझे डेली मोशन पे प्रॉब्लम आ रहा था वो अपलोड करने में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार YouTube पे तो चलने दो ना, उस पे कर दिया। ठीक है, बंद है, लेकिन मैंने कोई तरीका निकाला हुआ है उससे, ये यूके से ही, वो मेरा जो गूगल खुलता है उसको यूके से ही है लिंक, तो वहां से मैं मैं कहता हूँ जी, दिल पे लिखा गया खुर्शीद, तो मेरा बड़ा फेवरेट नेम है, मेरी मदर का नाम खुर्शीद है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ लड़की तू ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबज़ादा को इजाज़त दें, फ़ीमान अल्लाह।